ये पीएफएसी 2024 का एमसीक्यू करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जो है चल रहा है, जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसमें आपको जनवरी से अप्रैल तक का मिलेगा। मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले में बोला था कि फेब्रुवरी आपका इसमें मिसिंग है, फेब का आप देख लोगे, जनवरी का कुछ पार्ट मिसिंग है और मार्च का कुछ पार्ट मिसिंग है। तो जो जनवरी फेब्रुवरी मार्च था, इसमें एक तरह से चीजें प्रॉपर तरीका से नहीं चली थी, तो इस वजह से हमारे पास पूरा कंपाइलेशन नहीं है। जनवरी का हाफ प्लस है, फेब्रुवरी का नहीं है, और मार्च का हाफ एक तरह से कह सकते हैं कि हाफ से कम, मतलब 2/3 है और थोड़े मिसिंग है, और ये आपका अप्रैल पूरा है, फिर मई और जून 2 महीने का बचेगा। तो इसमें आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का रहेगा, तो आप फेब्रुवरी वगैरह का मैनेज थोड़ा कर लोगे, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस जो भी हैं उनको करना है, और सबसे बड़ी चीज है कि एक्सप्लेनेशन सबका देखना है, सब सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब आप एक तरह से इसमें करोगे तो अप्रैल मंथ तक पहुंच जाओगे, फिर एक और नेक्स्ट रहेगा तो उसमें मई और जून का हो जाएगा। तो इनफैक्ट जो जून 2023 से लेकर के जून 2023 से लेकर के और जून 2024 तक, नीचे ध्यान रखना कि कोई भी करेंट अफेयर्स करो या कुछ भी करो, तो यूपीएससी में कोई भी चीज सफिशियंट नहीं होता है। द मोर यू वर्क द बेटर इट इज। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वो चीज को करने लगोगे, नहीं, जितना हो सकता है, ये जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि मे बी आपके आपको लगेगा नहीं ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन जहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि यस हमें एटलीस्ट जो क्वेश्चन है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें उसका एक्सप्लेनेशन को देख लेना चाहिए। एक्सप्लेनेशन को देख लो ताकि आप उससे थोड़ा जब क्वेश्चन आए तो उससे लिंक इस्टेब्लिश कर सको, ठीक है। तो इसमें से आपको जनवरी से अप्रैल तक का मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।